धन्यवाद, प्लीज विराजमान हो जाइए, शुक्रिया। अच्छा अर्चना जी, हमारे देश में ना जो कुछ नहीं करते वो दूसरों को जज करने लगते हैं। मैंने देखा है विराट कोहली एक मैच में अगर कहीं जल्दी आउट होके आ जाए ना, तो जिस आदमी ने जिंदगी में कभी बल्ला नहीं पकड़ा वो जज कर रहा था। भाई साहब छोड़ देना चाहिए इसको। और खुद के उनके 60 साल की उम्र तक बच्चे हो रहे हैं, खुद नहीं हटते, दूसरों को सलाह दे रहे हैं। अब आप देख लो हमें कॉमेडी सर्कस में कितना जज किया, आप हट रही हैं अभी भी जज कर रही हैं। तो मैं आज जजमेंट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सोनी लिप पे एक बड़ी कमाल की सीरीज है योर ऑनर, उसका सीजन 2 आ चुका है और आज हमारे बीच उस वेब सीरीज की जो है स्टार कास्ट यहां पे मौजूद है। सबसे पहले उनको बुलाते हैं जो पहले सीजन से इस सीरीज में मौजूद हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर जिमी शेरगिल, मीता वशिष्ठ एंड पुलकित मकौल। वाओ, जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। जिमी पाजी, मीता जी, पुलकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बड़ी प्यारी लग रही हैं आप येलो साड़ी में। थैंक यू। वाह, ऐसा लग रहा है बसंत आ गई। जिमी पाजी, आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू जी। आपने फिल्मों में अपना करियर एज ए क्रिमिनल शुरू किया था, आज आप जज बन चुके हैं। तो और क्या करना बाकी रह गया पाजी? अब जज बन गए हैं, अब वहां पर बैठ के भी अगर वहां बैठ के भी जजिंग करेंगे तो थोड़ा और ये मजा। तो आप अपनी किडनैपिंग की साजिश कर रहे हो, आपको पता नहीं ये क्या करती हैं जो इनकी कुर्सी पे नजर रखता है। मिता जी, इस सीजन में किसकी नाक में दम कर रही हैं आप? आपकी छोड़ दूं, बाकी की कर लूंगी। मेरे को ना डर भी लगता रहता है मीता जी से, क्योंकि इन्होंने किरदार भी ऐसे ऐसे निभाए हैं ना। हाँ। वैसे तो बड़ी प्यारी हैं, हसमुख हैं, पर किरदार में जब आती हैं सीरियसली नाक में दम हो जाता है इंसान के। अभी भी ऐसे देखिए, मुझे लग रहा है थोड़ी देर बाद डांट देंगी, सीधे खड़े हो जाओ। पुलकित जो है, आपने योर ऑनर के दोनों सीजन तो कर लिए। हाँ जी। दोनों वैक्सीनेशन हुई है आपकी कि नहीं? आपकी एज वाले तो मुझे लगता है एलिजिबल भी नहीं अभी। नहीं सर, वैक्सीनेशन हो चुकी है, तभी मेरे को शूटिंग करने का मौका मिला, वरना तो मुझे मौका नहीं मिलता आपके शो में भी आने का। पर बहुत ही मजेदार सीरीज है आपकी। और अब उनको बुलाता हूं जो सेकंड सीजन को और भी धमाकेदार बनाने के लिए जुड़े हैं। प्लीज वेलकम माही गिल एंड बैडमैन वन एंड ओनली गुलशन ग्रोवर। बड़े हैंडसम लग रहे हैं सर। अरे थैंक यू ब्रदर। आज जल्दी जल्दी में आए, थोड़ी सी दाढ़ी छूट गई है। बहुत बहुत स्वागत है माही जी, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू जी। अच्छा गुलशन सर को मैं मुबारकबाद इस बात के लिए देना चाहता हूँ, पहली बार आपको ऑफिशियल पार्टनर मिली है वेब सीरीज में जी, नहीं तो आपने लोगों की उठाई पहले तो। माही, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पिछले साल भी आप हमारे शो पे आई थी जी। इस साल भी साल की शुरुआत में ही आ गई बैक टू बैक, वाओ कांग्रेचुलेशन, सो प्राउड ऑफ यू। आइए, बहुत बहुत स्वागत है सर, प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा माही की आपने फिल्में देखी, वेब सीरीज, इनको ज्यादातर शराबी गुंडे बदमाश लड़के पसंद आते हैं, इस बार भी आपको गुलशन ग्रोवर साहब मिले हैं पार्टनर, मिलके आप लोग बदमाशी कर रहे हैं। आपने मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली गुंडे बदमाश शराबी कहा? नहीं नहीं, इनकी जो पहली फिल्म है। मैंने आज तक कोई फिल्म नहीं देखी जिसमें आपको कभी पंडित का रोल ऑफर हुआ हो, और अगर होगा भी ना तो वो भी खराब ही निकलेगा बाद में। माही, सारे विलन आपको क्यों दे देते हैं डायरेक्टर, उनको लगता है कि ये लड़की है पंजाबी ठीक कर लेगी सबको? हाँ, और आपको पता है, मुझे एक बात पता चली है कि मैं जितने भी हीरोज हैं, आपका नाम नहीं लूंगी, बाकी जितने भी मेरे हीरोज रहे हैं आज तक, वो मेरे से सब डरते हैं। क्यों? पता ही नहीं क्यों। क्यों? वो बोलते हैं कि मैं माही से डर लगता है, पता नहीं, मेरे से बात भी नहीं करते अच्छे से, वो डरते हैं मेरे से। All excuses. हाँ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर, आपने इतने नेगेटिव रोल किए हैं, जब आप कभी एयरपोर्ट पे जाते हैं आजकल जो दौर चल रहा है,
आपका आरटीपीसीआर चेक होता है कि बोलते हैं कि तो है ही नेगेटिव। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, वो तो कहते हैं कि ये पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। एक बार का मैं आपको किस्सा बताता हूँ जी। मैं एक अमेरिकन फिल्म की शूटिंग करने गया, वर्दजात एक जगह है, यू नो यहाँ से कैसाब्लांका से छोटी फ्लाइट थी, हमारी फ्लाइट इंटरनेशनल सुबह लैंड हुई और छोटी फ्लाइट जो थी वो शाम को थी। तो मैंने कहा कि व्हाई डोंट आई टेक अ लोकल वीज़ा एंड मैं बाहर घूम कर आ जाता हूँ शाम को। तो आई स्टूड इन लाइन एंड आई सेड कैन यू गिव मी अ डेज वीज़ा, आई विल नॉट गिव यू वीज़ा। आई सेड आई हैव अ वर्क परमिट बट माय वीज़ा इज़ ऑन अराइवल एंड इट विल गेट देयर, प्लीज़ गिव मी, आई विल नॉट गिव यू वीज़ा। क्यों? I will not give you visa. बस यही बोली जाए। मैं क्या यार इसको हुआ क्या? बोला but why? She says you beat शाहरुख खान। I said that's only acting. उसने मुझे वीजा नहीं दिया। मैं पूरा दिन लाउंज में बैठा रहा। पहले सोचते थे हम लोग, जैसे मैं सोचा था अमजद खान साहब ये रियल में बुरे इंसान है। जैसे अभी मीता जी मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने इतने सारे नेगेटिव रोल किए हैं, तो आपकी जो सोसाइटी है जहाँ आप रहती हैं वहाँ आपको किटी पे बुलाते हैं कि उनको डर रहता है कि किटी खुलते ही सारा पैसा उठा के ले जाएगी? मैं कपिल सच बात बताऊँ, दिस इज रियल प्रॉब्लम। एक तो आप एक्ट्रेस हो, फिर आप सिंगल हो, तो उनको लगता है आप किटी नहीं उठा ले जाएंगे, आप उनके पति उठा ले जाएंगे। तो आपको कभी कोई बुलाते नहीं है। ये जो सिंगल है आप अपनी मर्जी से ही है, नहीं तो बड़े लोग डबल होने को फिर रहे होंगे। आप मरते हैं जो गुर्दा चाहिए ना मेरी जैसे को। हाँ वो तो है, पता नहीं क्यों डर ही लगता रहता है। अच्छा आप सबने देखा जिम्मी पाजी को फिल्मों में क्या हीरोइन निकल जाती इनके हाथ से, वेब सीरीज में भी इनकी वाइफ नहीं रही, और जिस लड़की ने थोड़ा भाव दिया इन्होंने उसको भाव नहीं दिया। आपको लगता है कोई नजर लगी हुई आपको कि भाभी ने मना किया है कि कोई रोमांस नहीं होगा पर्दे पे? ऐसी नजर तो लगी रहे तो अच्छा है। क्या है कि रियल लाइफ वाली ना भागे बाकी। अच्छा आप पिछले सीजन से मीता जी आप जिम्मी पाजी के पीछे पड़ी हैं जी, ठीक है, काम गलत तो ये भी कर रही हैं, है ना, वो भी कर रहे हैं, उन्हीं के पीछे आप पड़ी हुई हैं लगातार, पुरुषों ने आपका क्या बिगाड़ा है? इनको आप बचा लेती हैं? सीजन 3 का राज है वो। सीजन 3 का राज है, ओके। आई एम गिविंग आइडियाज टू द राइटर्स। एक्चुअली अर्चना कैन बी इन सीजन 3 फॉर श्योर। मी? हाँ, तुम्हारी पर्सनालिटी योर ऑनर में सूट करती है, और ये सीरीज है, इट्स बेस्ड इन पंजाब। अच्छा ये आपस में इतनी आपकी आप गाड़ी लेके लॉन्ग ड्राइव पे क्यों नहीं चले जाते? पूरी फिल्म से खाली खड़ी। अच्छा आपने माही की फिल्में देखी ना, बड़ी मारधाड़ वाली फिल्में रही हैं, पान सिंह तोमर हो, चाहे साहेब बीवी और गैंगस्टर, गुलाल, बुलेट राजा, फैमिली ऑफ ठाकुरगंज, अब योर ऑनर में भी ये आई हैं, तो यहाँ पे भी मारधाड़ कर रही हैं। हम ये मान लें कि आप जहाँ भी जाती हैं कुछ ना कुछ काम खराब करेंगी आप? मैं बहुत ही अच्छी इंसान हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। नहीं, मैं बहुत लोगों का भला करती हूँ, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं बहुत बुरी इंसान बन सकती हूँ। आई थिंक आई मस्ट बी 13-14 साल की थी मैं, और हमारे घर के पास एक बत्रा थिएटर था सिंगल स्क्रीन वाला जी, तो मैं वहाँ से वॉक करके फ्रेंच क्लासेस अटेंड करने जाती थी। अच्छा जी। तो वहाँ बहुत सारे ग्रुप में लड़के बैठे होते थे, और जब भी वहाँ से निकलना उन्होंने यू नो छेड़ना शुरू कर देना, ये करना करना, ये बड़ी बदतमीजी। अब मेरे भाई जट दिमाग वो तो छोड़ते नहीं थे। अच्छा। वो कहते थे कि अगर गली में से एक बार लड़का निकल गया देखकर हमारे घर के बाहर हॉर्न मार के व्हाटएवर, दूसरी बार अगर वो निकला तो मरा ही मरा। ये था हमारे पैदल निकल सकते हैं, सैर कर रहा हो कोई आना जाना हमारे घर की तरह मत देख। अच्छा। और तो मैं एक बार निकल के जा रही थी तो एक लड़की ने छेड़ा, जो मुझे मैं दो दिन से सुन रही थी, तीन दिन से सुन रही थी, मुझे चढ़ गया गुस्सा, मैंने लिटरली पकड़ के मारा है। आई वाज जस्ट 13-14 इयर्स ऑफ एज। मैंने मारा पकड़। ये बात आपने मुझे क्यों सुनाई?
मैं इसलिए सुना रही हूँ कि सब लड़कियों को हिम्मत करनी चाहिए, कभी ऐसा कुछ होता सबसे पहले मतलब ऐसी नौबत ही क्यों आए कि लड़कियों को हिम्मत करनी पड़े, लड़के ये बदतमीजी क्यों नहीं बंद करते हैं? तो हाँ, ये आपने वैसे हंसी मजाक में हमने ये टॉपिक अच्छा आई अपलोड दिस एंड लॉर्ड दिस मैंने बहुतों को मारा है, बहुतों को मारा है और अकेला नहीं, वो दो थे या तीन थे, मैं अकेली थी, मैंने उन तीनों को मारा है। आपको बताने की जरूरत है? और ऐसी ऐसी ही होनी चाहिए, इसीलिए तो इनको इस रोल में गुंडी के रोल में कास्ट किया गया। गुंडी परमीत सर मिलते रहते हैं, कभी आंख सूजी कभी ये। मैं आजकल जिम में करता हूँ, मगर जिम में आंख पे कहाँ चोट लगती है। अच्छा, मीता जी का एक प्ले है लाल डेड, जिसमें करीब 75 मिनट की सोलो परफॉर्मेंस करती है मीता जी, मैंने सुना है। तो वो सच्ची में 75 मिनट का प्ले है कि लेडीज होने का फायदा उठा के आप वैसे ही बोल जाती है 75 मिनट? वो है तो सोलो 75 मिनट्स का। That's amazing. उसमें मैं बोलती हूँ टोटल मिला के 20 मिनट। अच्छा। 10 मिनट गाती हूँ। अच्छा। हाँ। और 20 मिनट साइलेंसेस में रहती हूँ। अच्छा जी। और ऐसा चलता है तो खत्म हो जाता है प्ले। लेकिन सुना दीजिए हमारे दर्शकों को भी आज कुछ ऐसे गा के। यस। आवाज सुनिए क्या हो रही है। सामने कौन सा आशा भोसले जी बैठी है यहाँ पे भी तो। एक छोटा सा वाक है ललदेत जो कश्मीर की मिस्टिक पोएट है, तो जितने कश्मीरी हैं जो 45 वर्ष के ऊपर के लोग होंगे वो सब ललदेत को जानते हैं और उनकी पोएट्री बाय हार्ट सबको याद है। तो उनकी छोटा सा एक वाक सुनाती हूँ, लेकिन मैं सुनाऊंगी दो तरीके से, एक जैसे कंपोजर ने कंपोज किया था जी, और एक जैसे थिएटर में जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप आवाज़ के ज़रिए एक लैंडस्केप भी बनाते हैं ताकि लोग देख सकें वादियाँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, जब आप पहाड़ों में लोगों को जाते हुए देखते हैं ना तो वो नज़र आते हैं, फिर अचानक वो गायब हो जाते हैं, फिर वो वहाँ दिखते हैं। नाइसली डन, नाइस, यू नो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू मैम, शुक्रिया। यू हैव टू सी माय प्ले नाउ। डेफिनेटली डेफिनेटली मैम। आप मैं लोगों को मैंने कभी बताया नहीं, मैं भी पहले थिएटर ही करता रहा हूं। फिर जब मेरी हालत बहुत टाइट होगी ना फिर मैं इधर आया। अच्छा, ये कुछ सवाल है जनता के आप सबसे हैं, जिसने भी जवाब देना वो आप दे सकते हैं। सच सच बताना, कभी सस्ती ड्रेस खरीद के उसे महंगा बताया? बिल्कुल। बुलकित बोला बिल्कुल। बिल्कुल। कहाँ हुआ ये वाक्या? मैं तो अभी भी सस्ते कपड़े पहन कर आया हूँ आपके शो में। यार पर देखो, पहना हुआ जचना चाहिए, सस्ता महंगा तो कोई नहीं, पर हाँ, पर आप इतने हैंडसम हो पुलकित जी। गुलशन सर ने हाथ खड़ा किया। मैंने शुरू शुरू में मतलब बड़ा उस वक्त एक्सपेंसिव घड़ी का वो था, प्रचलन था जी, तो मैं खरीद नहीं सकता था ओरिजिनल घड़ी, तो मैंने नकली घड़ी खरीद ली। अच्छा जी। खरीद ली, पहन ली। अब मैं चूंकि राइजिंग स्टार था तो सबको बिलीव हो रहा था। एक बंदे को मैंने बता दी सच्चाई। अच्छा। सलमान खान को। अब उस समय मैं बहुत सारी फिल्में भी करता था सलमान खान के साथ में, रोजाना की मुलाकात भी होती थी। हाँ। जब भी कहीं मिले मुझे टाइम बता। हाँ। फिर कुछ और बात, हर बात घड़ी पे ले आए। और सलमान आपको पता है कि एक सेंटेंस बोलता है फिर हंसता भी होता है। टाइम बता। अब मैंने इतना प्रिटेंड किया सबके सामने, जितनी एक्टिंग मुझे आती थी की मैंने, दो तीन बार बोले मैंने बोला टाइम पूछने का इतना शौक है तो खुद की घड़ी खरीद। सच सच बता रहा, बिना नहाए कभी शूट पे गए? कब का सुपरस्टिशन से हम कभी कभी मार खा जाते हैं ना। हाँ। तो लगते यार ये इतना अच्छा सीन हुआ था, मेल चढ़ाते रहो और अच्छा सीन हो जाएगा कल भी। जब मैं फिल्मों में नया नया आया था तो मैंने सुना था कि नसीरुद्दीन शाह, नसीर भाई, ग्रेट एक्टर, वो चक्रा फिल्म में वो पैर के इधर मैल लाने के लिए हाथों के इधर कुछ 1.5-2 महीने नहाए नहीं। ओह माय गॉड। वो कैरेक्टर में रहना चाहते थे। मैं तो 2-3-4 बार नहाता हूँ
जब मौका मिले ना हंस रहे ओह गॉड बोला यार ये इस प्रकार की एक्टिंग मैं नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैंने मेरा भाग्य देखिए मुझे तो सारे ऐसे रोल मिले सूट बूट पहना हुआ है ड्रिंक हाथ में है कसम से किस्मत हो आपके जैसी ना गुलशन बाजी आपको देख के भी कभी महिलाओं ने अपने बच्चे इधर किए इधर हो जाए गुलशन को बुला रहा है महिलाएं चली गई हैं उठ के मनाली में शूटिंग कर रहा था वहां से एक फ्लाइट जाती थी कुल्लू से चंडीगढ़ भुंतर से चंडीगढ़ हैं भुंतर हाँ भुंतर से तो टिकट नहीं मिलती थी आपको जाके अपना सारा एक्टिंग चार्म दिखाना पड़ता था कई बार तो वो एयरलाइंस वालों को डायलॉग भी सुनाने पड़ते थे हाँ यार सुना देंगे मेरी सीट कर देंगे तो उसने लास्ट मिनट पे मुझे एक सीट दे दी अच्छा भागा मैं फ्लाइट की तरफ तो मेरी सीट थी वो छोटे से प्लेन में ना लास्ट में बेंच जैसी सीट होती है अच्छा जी आप बैठ जाओ एयर होस्टेस इधर आके बैठ जाएगी एक आधा बंदा और इधर आके बैठ इधर वाला आके बैठ गया अब फ्लाइट टाइम हो गया जा ही नहीं रहे बाहर स्टेप्स के पास में आवाजें आ रही हैं एयर होस्टेस कह रही है ग्राउंड स्टाफ आ गया ये हो गया तो मैंने कहा व्हाट्स हैपनिंग व्हाई आर वी नॉट गोइंग सर रीजन आप हैं सर क्या हुआ बोलती मैं नौकरी छोड़ दूंगी इसके साथ नहीं बैठूंगी जाके अच्छा नॉर्मली होता है ना लोग शीशे के सामने अकेले होते हैं जब कोई नहीं होता तो मुंह बना बना के देखते हैं अलग अलग और एक्टर्स लोग तो और कभी आप करते हो ऐसा कभी शीशे के सामने मैं करती हूँ क्या क्या मुंह बनाते हो आप कुछ भी देखती हूँ गुस्से का उदास तो वैसे दिखती हूँ शक्ल से उदास ही लगती हूँ उसके ऊपर करती हूँ थोड़ा बहुत आप करती हैं मीता जी ऐसे एक्चुअली मेरी पहली फिल्मों में ना मेरे डायरेक्टर्स तंग आए गए मैं उनसे कभी सवाल पूछूं कभी पूछूं शॉट कब हो रहा है कभी ये कभी वो तो उन्होंने सेट पे एक मिरर लगवा दिया अच्छा अच्छा कि देखते रहो जब आप उस उम्र में होते हैं तो आप अपने आप को ताकते हैं थकते ही नहीं है यू नो तो कभी आप यूं देख रहे हैं कभी यूं देख रहे हैं कभी यूं ठीक कर रहे हैं कभी यूं ठीक कर रहे हैं तो वो उन्होंने शीशा लगवा दिया ताकि जितनी एक्ट्रेसेस हैं वो सब अपने आप को निहारते रहे हमसे कोई सवाल ना पूछे हम अपना काम करते रहे एक एक एक्टर हैं जी एक मेरे दोस्त हैं आप मेरी एक्टिंग स्कूल का बैचमेट है अच्छा जी जब मैं बॉम्बे आया था पहली बार तब से मेरा दोस्त है अनिल कपूर अच्छा जी वाह आई वाज अबाउट टू से अनिल ही होगा ये तो मुझे खड़े होकर करना पड़ेगा अनिल कपूर को किसी ने बोल दिया शुरू शुरू में थोड़े आपके गाल फूले हुए हैं चिजल नहीं है तो जब मेकअप रूम में जाओ माइंड ब्लोइंग यार आपको पता ना लोगों को बड़ी वो होती है किसी की कोई फोटो आप डालते हो अपने फैंस के लिए नीचे कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहते हैं तो मुझे पता आप सब लोग बिजी होते हैं तो हम बड़े वेले हैं हम पढ़ते हैं उन फोटो के नीचे कमेंट्स हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहते हैं जो आपके फैंस नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं दिखाइए जरा जिम्मी पाजी की ये फोटो ऑन सेट इन कैरेक्टर वेल नॉट रियली ओके तो नीचे कमेंट्स देखते हैं आपकी चप्पल पे ऑफ लिखा है जब आप चलते हो तो इसे ऑन करना पड़ता है पीछे इतनी जड़ी बूटियां रखी हुई हैं शूटिंग के बाद आप हकीम का काम भी करते हो और दिखाइए हैप्पी वैलेंटाइंस डे लॉस एंजलिस हॉलीवुड वाह दिखाइए जरा कमेंट्स सच है अच्छी लड़कियों को बस बैड बॉयज ही पसंद आते हैं लोग कितना ही आपको बैड मैन बोले लेकिन किस्मत आपकी बड़ी गुड है किसी ने लिखा है बताओ कैसा आदमी है तीन तीन लड़कियां साथ हैं फिर भी खुश नहीं है Very nice one. और दिखाइए बस इंडियन आदमी को ही पता होता है कि फोटो कहां से खिंच रही है लड़कियां तो ये देख रही हैं पुलिस ना आ जाए
ओह, इतनी स्वीट लड़कियों के साथ घूमते हैं और बोलते हैं कि जिंदगी का मजा खट्टे में है। और दिखाइए। जिमी पाजी, आप खुल के हंस रहे पाजी। कौन सी बात पे आपको ज्यादा हंसी आ गई जिमी पाजी? सारे कमेंट्स पे है। मीता जी ने फोटो डाली, द ब्यूटी ऑफ स्पार्कलिंग एयर एंड कलर एंड क्लीन ट्रीज लाइन रोड्स क्लीन पेमेंट्स मेक फॉर जॉय बीइंग इन पटियाला। दिखाई जरा कमेंट्स नीचे। इट्स ब्यूटीफुल, आई लव इट। मैडम आप पटियाला में हो, क्यों जूस में टाइम वेस्ट कर रही हो? किसी ने लिखा है, रिप्लाई भी लिखा है, जूस पी के इतनी हंसी थोड़ी आती है, जूस में पटियाला ही है। वाह, फोटो मौसम्मी के साथ खिंचा रही है और ग्लास में गाजर जूस। सीरियसली, मैंने आई कैन नोटिस दिस, मैं नोटिस किया पीछे गाजर के। हां ये तो बात सही है, मैंने नोटिस किया है। तो बिल्कुल देखो किसने क्या लिखा, कितनी खुश है, लगता है पहली बार जूस पी रही है। पहली बार जूस। और दिखाइए। हैप्पी होली एवरीवन। जलेबियां, ये माही आपने जलेबियां रखी हैं, खाती तो नहीं होंगी पक्का, मुझे पता है। खाती नहीं ना? मैं गुलाब जामुन खाती हूँ। दिखाइए जरा कमेंट्स। You are shooting for a holy scene. अनुराग कश्यप को वहां पीछे क्यों बिठा रखा है? अनुराग ही है ना? अनुराग ही है ना? नहीं 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 नहीं, it's not अनुराग. अच्छा, पर मेरे को लगा सीरियसली जलेबी ऐसे पकड़ी है जैसे छूने से भी कैलोरी बढ़ जाएगी। वो पीछे काले चश्मे वाला आदमी आपको देख रहा है, दो जलेबी उसको भी डाल दो। डाल दो। आप भी होली खेलने के बाद कपड़े फेंक देती हो या धो के दोबारा पहन लेती हो? सीरियसली, काले चश्मे वाला आदमी आपकी जलेबियों की तरफ ही देख रहा है, उसको भूख लगी होगी बेचारे को। और दिखाइए। पुत्री रिलीज कर दो अबीर और योर ऑनर सीजन 2 19 नवंबर एक्सक्लूसिवली ऑन। ओके, कमेंट्स नीचे पढ़ते हैं। हाय पुलकित, तुमने योर ऑनर में अच्छा काम किया, फिर तुम्हें अंदर क्यों कर दिया? आगे दिखाइए। ओहो, है? ओह वाओ, पाजी असली है? सच्ची? नहीं नहीं, किसी ने बना के भेज दिया। अच्छा, किसे? दिखाइए इसके नीचे कमेंट्स। It looks really impressive. लिखा, आप भी वही देख रहे हो जो चीता देख रहा है या दोनों अपनी अपनी वाली को देख रहे हैं? और दिखाइए। भाई आप लगाम पकड़ के तो ऐसे खड़े हो जैसे ये भागेगा तो आप संभाल ही लोगे। बिल्ली समझ के लाए थे, इनको पता नहीं था ये बड़ा होके चीता निकलेगा। और दिखाइए। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। वाले कमाल से हैं। चलिए कमेंट्स देखते हैं। तेरी हैप्पी दिवाली पे ये फोटो क्यों डाली गुलशन? वाह सर, इसके बाद एक गोली भी चला लेते, इतने गुस्से में विश कर रहे हो। वही बात लिखी है, इतने गुस्से में विश कर रहे हो। सारे दूल्हे संभल जाओ, गुलशन भाई ने शेरवानी पहन ली है। बदमाश विदेश गया है आज, या तो कोहिनूर इंडिया लाएगा या एलिजाबेथ। ये सबसे मजेदार है, नाराज फूफा बारात से वापस जाते हुए। बेस्ट वर्ड्स है आपके, बेस्ट है। और दिखाइए। Missed the flight to Jabalpur on Monday, so ended up posing for a pic, followed up by yummy cheese and veggie sandwich and ketchup. Blessed to have the friends I do, pampering me, dispelling missed flight blues. ये last line का क्या मतलब? मतलब तो मैं जब मुझे बाकी सारी का भी नहीं पता चला, पर dispelling missed flight blues का क्या मतलब? मैंने flight miss हो गई, थोड़ा दुखी हो रही थी तो। Okay, okay. दुखी आप किसी angle से नहीं लग रही? दिखाइए जरा comments दिखाइए। फ्लाइट छूट गई, फोटो से तो लग रहा है आप ट्रक में बैठी।
मुझे लगता है फोटो के चक्कर में ही फ्लाइट छूटी होगी. जिस तरीके से आप देख रही हैं, जिसने फोटो खींची है उसकी भी छूट गई होगी. और दिखाइए. फ्लाइट मिस होने के बाद भी आप इतनी खुश हैं, जरूर टिकट प्रोड्यूसर ने करवाई होगी. अगर मैं पायलट लगा होता तो आपको आधे रास्ते से भी वापस लेने आ जाता, इसीलिए तू नहीं लगा. और दिखाइए. Just spread our wings and fly away. Women's Day. ओके. तो पुरानी है. दिखाइए जरा इसके कमेंट्स. बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर है माही. थैंक यू सर. मैडम एक बात बताओ, आप छत पे उतरी हो या रनवे पे? आप परी लग रही हो और मेरी माँ कहती है मेरी शादी परी से होगी. किसी ने उसको रिप्लाई किया, बेटा माँ तो सबकी ऐसे ही कहती है, तेरे बाप से पूछ, उसे तेरी माँ परी लगती है. ओ, तेज हवा में हमाई लुंगी भी ऐसे ही उड़ती है और सारा हेलीपैड दिख जाता है. अयो कैसे कैसे लोग बैठे हुए. नाइस. देखो भड़को मत, भड़कने वाली कोई बात नहीं है. मैं कर रहा हूँ, मैं इंतजाम कर रहा हूँ. यार शर्मा, तुम्हारे पास यार एक गाड़ी होगी. गाड़ी क्यों? क्या मैंने एक ड्राइवर रख लिया? गाड़ी मेरे पास है नहीं. अभी यार भड़क रहा है. अभी तो गाड़ी नहीं तो ड्राइवर क्यों रखा फिर? अरे यार सस्ता मिल रहा था, गाड़ी महंगी मिल रही थी तो मैंने ड्राइवर रख लिया. अब जब गाड़ी मुझे सस्ती मिलेगी मैं गाड़ी रख लूंगा, ड्राइवर निकाल दूंगा. इस आदमी को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है यार. कमाल. अरे अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ पर आए हुए हैं, हम गाड़ी ड्राइवर क्या बातें कर रहे हैं? सॉरी माय अपोलॉजी. भाई कैसे हैं आप लोग? ठीक है. अरे बाप रे यार, गुलशन ग्रोवर जी. अरे भाई ब्रो. या इधर आओ, इधर आओ, एक बात सुनो. इधर एक बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो. भैया जिमी शेरगिल जी, गुलशन ग्रोवर जी, मीता वसुज जी, माही गिल जी एंड यो पुलकित, am I right? Yes, sir, you're right. भाई देखे, कमाल की बात देख रहे हैं आज आप. आज हमारे पास गिल गिल गुल हैं. और गिल गुल गुल में पुल भी तो है. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यार, इतने बेहतरीन कलाकार आज मेरी आंखों के सामने बैठ रहे हैं. मैं आपसे सच कहूँ, आप लोग मिलके एक वेब सीरीज क्यों नहीं बनाते? आ चुकी है उनकी वेब सीरीज, उसी की प्रमोशन के लिए आए हैं. Really? Honor 2, yes. ओहो, यार फिर तो मेरे मुंह में घी शक्कर ठूस दो. मैंने जो बात कही हो गई. क्यों घी शक्कर ठोकना है? पहला घी शक्कर अभी तक बाहर आ रहा है आपका. ये क्या पजामे की जान निकली पड़ी है घी शक्कर काका के. और खाना घी शक्कर आपको? लेटर कभी और. ठीक है ब्रो, ठीक है. यार पुलकित बात बताओ, शो देखा है टीवी पे? जी जी. मजा आया? बहुत मजा आया. आज यहाँ स्टेज पे बैठ के लाइव देखो. लेकिन माही जी, आपका हेलीकॉप्टर शॉट मेरा फेवरेट है. ये माही हेलीकॉप्टर शॉट नहीं मारती है. तो आपका टकीला शॉट मेरा फेवरेट है. टकीला शॉट तो मारती होंगी. मैं तो भाई टकीला शॉट मारता हूँ. हाँ. कोई भी आई एम ए पार्टी एनिमल. या ये तो है. और यही नहीं बस, और सिर्फ पार्टी एनिमल नहीं, पार्टी करता भी एनिमल लोगों के साथ ही है. यार शर्मा, जब से आप पापा बने हो ना, थोड़ा यूथ कम होता जा रहा है आपका. यूथ इट्स मिसिंग. आई एम जस्ट सेइंग, अगली बार अगर आपने मुझे छेड़ा ना, तो मैं आटे दाल का भाव आपको पता करवाऊंगा. क्या कर लेंगे आप? मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि ये आटे का भाव है और ये दाल का भाव है. वैसे मीरा वशिष्ठ जी, आपसे एक बात कहनी थी. आप इतने सालों से
फिल्मों में टीवी पे काम करती आ रही हैं, तो मुझे कोई एक ऐसी बात बताइए ना जिसे सुन के मैं कहूँ क्या कह रही हैं आप, मैं नहीं मानता। कोई ऐसी बात, सीक्रेट बात कोई बताइए। ऐसी बात इनके जन्म के टाइम पे हुई थी, डॉक्टर ने जब आपका ना ये आपका बेटा, कहते क्या मैं नहीं मानता। फालतू की बातें कर रहे हैं आप हमारे मेहमानों के साथ। मेरे पिताजी और डॉक्टर जब बात कर रहे थे तब आप वहां पे क्या प्रमोट कर रहे थे? कोई कहीं भी पैदा होता है ये व्यक्ति वहां पे कैसे होता है? सबके पैदा होने की बातें बताएं इन्हें, कमाल है यार। लेकिन गुलशन ग्रोवर जी, बैड मैन, एक बार गुलशन जी के साथ तालियां हो जाए यार। आपको पता है जब से यहाँ पे जानकारी मिली है कि आप आने वाले हैं, सबसे ज्यादा खुश कौन है? कौन? इनके पति परमीत सेठी। क्यों? वो क्यों खुश है? उनको पता नहीं अब तक क्यों लगता है कि आप जहां भी जाते हैं आप लड़की उठा लेते हैं। परमीत जी, मैं आपका दिल तोड़ना चाहूंगा, ये काम ये सिर्फ फिल्मों में करते हैं, निजी जीवन में नहीं। आप बोलिए, परमीत के लिए मैं ये भी कर दूंगा। उठाने की गारंटी नहीं है, हाथ पकड़ के ले जाऊंगा। वकील साहब, आप इतने प्यारे हैं, ये आप अपना मुंह तुड़वा के इसका टेबल फैन क्यों नहीं बना लेते? लेकिन यार गुलशन जी, मुझे बड़ा मजा आता है इतनी सारी फिल्मों में, सारी हीरोइन आपसे इतना डरती हैं, आपसे दूर भागती रहती हैं, तो आपने किसी हीरोइन को नहीं छोड़ा, और जिमी शेरगिल जी ऐसी कोई हीरोइन नहीं है जिसने आपको नहीं छोड़ा। लेकिन जिमी, हीरोइन आपको छोड़ के चली जाती है फिल्मों में, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। क्या सोल्यूशन है? अगली फिल्म जो आप करेंगे ना, आप उसमें हीरो रहिए, साथ में दूसरा हीरो आप मुझे लीजिए। जब लड़की के पास यही दो ऑप्शन होंगे वो पक्का आपको चूज करेगा। बहुत स्वीट हो यार। गुलशन जी, हाँ जी, मैंने देखे हैं आपकी फिल्में, एक एक डायलॉग होते हैं आपके फिल्म में, गन्ना चूस के। I just wanted to know कि रोज अमूमन आप कितने गन्ने चूस लेते हैं? गन्ने बॉम्बे में मिलना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं, मेरा वो भी तो डायलॉग है, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। तो आप गलत चीज चूस रहे हैं ना फिर। फिर आप गन्ना क्यों चूस रहे हैं? गन्ना मत चूसिए। देखिए, अगर खट्टे में है असली मजा तो फिर आप नींबू चूसिए। नींबू चूसिए। देखिए, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, उनके दांत नहीं है लेकिन दिन में 3-4 गन्ने चूस लेते हैं। नहीं, बेच देते हैं। उनके पास दांत ही नहीं है, वो गन्ने कहां से चूसेंगे? पर हाँ, वो नींबू जरूर चूसते हैं, और उनका कहना है कि जिंदगी का असली मजा मीठे में है। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि जिंदगी का असली मजा किस में है और चूसना क्या है। अब तो मैं गन्ना भी नींबू रगड़ रगड़ के चूसता हूं। आई एम सो कंफ्यूज। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये देख रही है ना आप मीजा जी, नहीं उनको नहीं, मुझे देख रही है ना आप, क्योंकि मैं लगातार आपको देख रहा हूँ। अच्छा। आप तो कहीं से भी दिख जाते हैं। अभी देखा आपने, पहले तो आप इधर उधर देख रहे थे। नहीं नहीं, मेरा नजर सारी येल्लो पर है। या, या, या। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसी कई और रोमांटिक बातें हैं मेरे पास। अच्छा। जो इस वक्त अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे औकात में रहे मोटे। वकील साहब, करने क्या है आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे कान छिदवाने आया हूँ। अरे रुको यार, बातें करने आया हूँ, कर रहा हूँ बातें, मैं बता रहा था। माही जी, यू नो 14th फरवरी इज राउंड द कॉर्नर, तो आप मेरे साथ डेट पे चलेंगे? ये क्या बात कर रहे हैं? अरे यार रुक जा। वो वाली डेट नहीं यार, मेरे कोर्ट में मेरे केस की एक डेट है। प्लीज लिसन, मुझे एक झूठी गवाही की जरूरत है। हुआ क्या, बीच में अभी ना एक ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का क्रिकेट मैच चल रहा था, मैं यूं ही वहां पे चला गया। अब वहां पे ऑस्ट्रेलिया का झंडा मैंने जीवन में पहली बार देखा, मुझे बड़ा प्यारा लगा।
ये क्या प्यारा क्यूट झंडा है। मैंने जाके झंडे को चूम लिया, बस एक लड़की ने मुझ पे केस कर दिया। झंडे को चूमा तो क्यों केस किया? अरे झंडा उसके यहाँ बना हुआ था ना। इतनी सी बात, अभी इसमें क्या गलती हो गई मुझसे? Anyway, मैं खाली कह रहा था कि आप आगे एक झूठी गवाही दे दीजिएगा कि उस दिन मैं मैच पे गया ही नहीं, उस दिन आप मेरे साथ थी। वो क्यों बोलेंगे? वो नहीं बोलेंगी, वो आपके साथ थी। ठीक है, फिर बोल दीजिए कि मैं आपके साथ था। अरे वो कुछ भी नहीं बोलेंगी, कुछ भी नहीं बोलेंगी। नहीं, ये क्या हो गया? ये क्या कर रहे हैं? मैं भी कुछ भी नहीं बोलूंगा। उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, आप बोलो ना बोलो। नहीं पड़ता, नहीं सच में नहीं पड़ता। ओके ओके ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कोई बात नहीं। इट डजंट मैटर देन, नोबडी केयर्स अबाउट मी। हेलो ड्राइवर, गाड़ी निकालो। गाड़ी? अरे यार मुझे पता है हमारे पास नहीं है यार, गुलशन जी की गाड़ी निकालो, बस से जाएंगे। नहीं नहीं, ही इज अ गुड मैन यार। नो आई नो ही इज अ बैड मैन, बट ही इज अ गुड मैन। ठीक है ओके, थैंक यू, मैं चलता हूँ सर, आपकी गाड़ी में लौटा दूंगा। अरे ट्रस्ट मी, मैंने मैं चलता हूँ सही में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। मुलाकात में फोन करता हूँ आपको। आई सी यू ब्रो, थैंक यू सर। कुछ अफवाहें हैं जो आपको पता है, हम लोग हमेशा सेलेब्स जब भी आते हैं उनके सामने से पूछते हैं। तो जिम्मी पाजी, आपके बारे में एक अफवाह है कि आपकी धर्मपत्नी जी इस बात के लिए आपसे नाराज रहती हैं कि आपको अपनी फिल्मों के सारे करेक्टर्स के नाम याद रहते हैं लेकिन ससुराल में क्लोज रिश्तेदारों के नाम आप भूल जाते हैं। इसमें अफवाह क्या है? ओह मीता मैम, आपके बारे में ये अफवाह है कि वैसे तो आप नेगेटिव किरदार से लोगों को डराती हैं लेकिन खुद छिपकली देख के डर जाती हैं। नहीं, छिपकली की टूटी हुई दुम से डरती हूँ। टूटी हुई दुम से? हाँ ऐसे से, वो ऐसे से उठी रहती है ना। तो थोड़ी देरी करती है, उसके बाद उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, फिर नहीं करती। गुलशन सर के बारे में दो फायदे थी, वो दोनों आपने आते खुद ही बता दी हैं। हाँ। तो वही था, फ्लाइट में जाने से मना कर दिया वाला, और मोरक्को का वीजा नहीं मिला था क्योंकि शाहरुख खान को मारा था। ये दो फायदे थी सीरियसली। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, सिर्फ दो ही थी मेरे बारे में। माही, आपके बारे में अफवाह है कि आप बचपन से इतनी फिल्मी हैं कि जब हिंदी के एग्जाम में कवि के जीवन का चरित्र चित्रण लिखने के लिए आता था तो आप शाहरुख खान की कहानी लिख के आती थी। कभी भी नहीं ऐसा किया। ओके, तो ये अफवाह है। अफवाह है माही, अफवाह है कि आपके नाम से एक शहर में रास्ते का नाम रखा गया है, जैसे सबवे हाईवे होता है वैसे माही वे रखा गया है। ऐसा कुछ नहीं। पुलकित, आपके बारे में अफवाह है कि आप इतने शर्मीले हैं कि स्विमिंग पूल में भी पूरे कपड़े पहन के चले जाते हैं। अफवाह है। एक अफवाह ये है कि योर ऑनर के शूट के दौरान एक आंटी को आप इतने पसंद आए थे कि दामाद बनाने के लिए वो आपके पीछे पड़ गई थी। नहीं नहीं, ये सच है, है? ये सच है। मैं जिमी सर के साथ जा रहा था। अच्छा। तो मैं वहाँ पे था और वहाँ पे किसी को लगा कि मैं सही में जिमी सर का बेटा हूँ। अच्छा। oh my God. तो वो अपनी बेटी को लेकर आ गई और कहती है देखो कितने सोने लगते पे हैं साथ में, और आके खड़ा कर दिया मेरे साथ, कह रही कि तेरी शादी तो मैं इसी से करूंगी। तो वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी कि वो माँ का क्रश था जिमी सर? आप सबको योर ऑनर 2 के लिए ढेर सारी मुबारकबाद और आपके आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कपिल सर, कपिल जी, एक बार मेरी दादी बहुत ये शो देखते हैं आपका, एक बार उनको हाय बोल सकते हो? अरे दादी जी, आपको बहुत बहुत मेरा प्रणाम, और बड़ा प्यारा पोता है आपका, बहुत बहुत मुबारक आपको इस बात के लिए भी। थैंक यू, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू जिमी बाजी, थैंक यू गुलशन सर, थैंक यू पुलकित, थैंक यू मीता जी, थैंक यू माही, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट सर। आइए मैम, आइए मैम, जोरदार तालियां मेरे को। अर्चना जी, आपको पता है फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम
किसको कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। और फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। फादर ऑफ दास दादा किसे कहा जाता है? ये क्या सवाल हुआ? तो आज इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा कि दास दादा के पिताजी का नाम है मिस्टर खाकेंद्र दास। हाँ? हालांकि उनके ऊपर कोई वेब सीरीज नहीं आ रही पर वेब सीरीज आ रही है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी और डॉक्टर विक्रम साराभाई जी पे। एक बार जोरदार तालियां। इस सीरीज का नाम है रॉकेट बॉयज और ये बड़ी ही कमाल की सीरीज लग रही है। तो चलिए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं यहाँ इस सीरीज की कास्ट को आमंत्रित करता हूँ। प्लीज वेलकम मिस्टर जिम सरभ, इश्वाक सिंह, रजीना कैसेंड्रा, अर्जुन राधा कृष्णन, दिबेंदु भट्टाचार्य एंड मिस्टर रजित कपूर। आप सभी रॉकेट बॉयज का हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। थैंक यू। एनी नर्वसनेस? वेरी नर्वस। मैं क्या करूं, हो रही थोड़ी घबराहट, तो अर्चना जी से थोड़ी सी ले लो, उनका रहता है स्टॉक। हुआ क्या जिम, जब मैंने इनको बताया कि जिम सरभ आ रहे हैं, इनको सुनाई दिया शायद जिन और शराब आ रहे हैं। इन्होंने बर्फ और चखना मंगा लिया। अब इनको पता चला कि अरे जिम सरभ आ रहे हैं तो ये बर्फ वाले पानी में पैर डुबो के बैठे हैं। वैसे ही नशा चढ़ गया होगा। वैसे हम बोलते हैं जिम सर भाई क्या। वाह दिवेंद्र जी छा गए आप। सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है, विराजमान हो जाइए। दिस इज सेफ। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई रॉकेट बॉयज के लिए। हम लोगों ने ट्रेलर देखा, इतना कमाल का है। थैंक यू। नॉर्मली आजकल ना बहुत सारी ऐसी सीरीज आ रही है जहां पे लिखा रहता है ना क्राइम, ड्रग्स, होल लैंग्वेज, ये सब। मुझे लगता है ये सीरीज पे आप लिख सकते हैं कि इंस्पिरेशनल फॉर गुड नॉलेज और हम सबको प्राउड ऑफ इंडिया एंड इंडियंस एक्चुअली। और अच्छा, इन सब ने इस सीरीज में बड़े बड़े लोगों के किरदार निभाए, जैसे जिम सरभ हैं, ये डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी का किरदार निभा रहे हैं। थैंक यू। इश्वाक जो है ये डॉक्टर विक्रम साराभाई जी का किरदार निभा रहे हैं, और जो अर्जुन है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का किरदार निभा रहे हैं। रजित सर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का किरदार निभा रहे हैं। सर जब आप इतने बड़े बड़े लोगों के किरदार निभा रहे थे, उस समय आइडिया तो हो गया होगा कि इसके बाद प्रमोशन के लिए भी किसी बड़े शो में ही जाएंगे। इसलिए तो यहाँ आए। अरे सर इतने बड़े में जाएंगे इसका ऐसा आइडिया नहीं हुआ था, थोड़ा आइडिया था बट बड़ा पता लगा कि हमने बड़ा काम किया। नहीं सर मैं मतलब वेरी ट्रू बट सर मैं ना सीरियसली मैं आप सबसे मिलने के लिए एक्साइटेड तो था ही, पर रजित सर को मैंने मतलब अपने कह सकता हूँ लड़कियां गुस्सा करती हैं जब इतने थे। नहीं इतना नहीं, मैं इतना था पर व्योमकेश बख्शी का सर मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मुझे आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ कुछ मुझे एपिसोड भी याद है। एक आपने एक बंदा पकड़ा था जो मकड़ी का रस पीता है, जिस आपको पता आपको भी नहीं याद होगा। हाँ खैर एनीवेज, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये डिटेक्टिव बने थे, उसमें मुश्किल से मुश्किल कोई ना कोई सबूत ढूंढ ही लाते थे। हमारे शो का एड्रेस ढूंढने में आपको इतना टाइम कैसे लगा? बुलाया नहीं आपने? अरे सर पर आज आप आए, बड़ा अच्छा लग रहा है सर। अच्छा रजित सर को द मेकिंग ऑफ महात्मा के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला सर, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा इन्होंने महात्मा गांधी जी का रोल किया है, उरी में इन्होंने मोदी जी का रोल किया है, इस सीरीज में ये जवाहरलाल नेहरू जी का रोल कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बनना आप प्रधानमंत्री चाहते थे? और वो इसके बाद मुझे अब कपिल शर्मा का रोल भी करना है। नहीं बहुत सारे एक्टर हैं ना जो भी पॉलिटिशियन भी हैं, मुझे लगा था शायद आप उनको एक हिंट दे रहे हैं कि भाई मैंने तो 1947 से लेके 2022 तक सारे प्रधानमंत्री के रोल कर डाले। लाल बहादुर शास्त्री का नहीं किया अभी तक। वो भी कर लेंगे ये। रजीना, मैं वैसे पूरा नाम लेने वाला था फिर मुझसे लिया नहीं गया, रजीना सैंड्रा। मैं लिया ना इंट्रोडक्शन मैंने मैं जी हाँ मैंने लिया, मैं दो दिन पहले आपका नाम मंगवा लिया था। मैंने मेरे को ना रजीना कैसेंड्रा कसम से ऐसा लगता कोई महंगी इंपोर्टेड वाइन ऑर्डर की आपने। रजीना कैसेंड्रा, रजीना कहाँ से हैं आप? आई मीन चेन्नई। चेन्नई? वही आप अभी मुंबई में रहती हैं? नहीं चेन्नई में रहती हूँ, आई कीप ट्रैवलिंग बिकॉज मैं साउथ में भी काम कर रही हूँ ना, तो आई
ट्रैवल टू हैदराबाद चेन्नई बॉम्बे खास आपके शो के लिए आई हैं बहुत बहुत धन्यवाद हमें बड़ा अच्छा लगा एक्चुअली मुझे आई हैव टू से दिस बिकॉज साउथ में तो वी डोंट सी टू मेनी ऑफ द हिंदी शोज एंड ऑल ऑफ दैट बट जब मैंने सबसे बोला कि आई एम गोइंग टू द कपिल शर्मा शो एवरीवन वाज लाइक यू मेड इट यू मेड इट ओह माय गॉड रियली तब तो मैं वेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड आई एम लाइक कपिल शर्मा एंड आई एम लाइक 30 मिलियन फॉलोअर्स 37 मिलियन फॉलोअर्स सॉरी सी नहीं नहीं पता नहीं मैं तो कभी नोट नहीं करता पर 38.1 है अच्छा रजीना कहीं हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ती है तो हमारे तो कभी लड़के उनको डर के मारे प्रपोज ही ना करते कि अगर नाम ही गलत हो गया हमसे तो पहला काम तो वहीं पे खराब हो जाएगा बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ पे देख के जिम को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा नीरजा में ये प्लेन हाईजैक करते हैं पद्मावत में ये अलाउद्दीन खिलजी का साथ दे रहे हैं संजू में ये ड्रग्स बेच रहे हैं जब आपको ये डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी का रोल मिला आपने डायरेक्टर को थैंक यू बोला कि किसी ने तो मेरे को अच्छा बंदा समझा नहीं तो सब नेगेटिव रोल भी आप कितने किए पर बड़ा कमाल का काम करते हैं आप थैंक यू जी बट जिम इफ आई एम नॉट रॉन्ग जब आपको ये रोल मिला होमी जहांगीर बाबा का तो आपको पहले पहले लगा था कि मुझे द फिल्म मेकर होमी अजानिया का रोल मिल रहा है हाँ मैंने किसी ने बोला बोल दिया कि एमए एंटरटेनमेंट से फोन आया निखिल अडवाणी और अभय पन्नू आपसे मिलना है मैंने बोला निखिल अडवाणी के नाम तो बहुत सुना है बिल्कुल जाऊंगा पर ये अभय पन्नू कौन है कुछ तापसी का भाई है क्या तो फिर मैंने उधर गया मैं वो कह रहा था कि मतलब दो आदमी के बारे में है ये कहानी एक एक पारसी और एक गुजराती पर पूरा शो हिंदी में होगा अच्छा और फिर उसने बोला आपको होमी के रोल ऑफर कर रहा है तो मैंने बोला होमी के रोल जी क्यों नहीं तो उसने बोला हाँ बहुत कुछ किया है देश के लिए होमी ने क्या किया देश के लिए होमी ने फिल्में बनाई हैं फिर वो कह रहा था कि नहीं मतलब इतना कुछ किया फिर इतना चार्मिंग आदमी है सोफिस्टिकेटेड आदमी है मैंने बोला वो तो है पर आप था क्यों कह रहा है तो उसने बोला कि अरे वो तो मर गए मैंने बोला कब मैं अभी बात किया था उनके साथ फिर उसने बोला नहीं नहीं होमी भाभा है मैंने बोला मुझे तो होमी आदत जा लिया सोच रहा था अच्छा जैसे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा वो भी पारसी थे आप भी पारसी हैं इस बात का कोई फायदा हुआ आपको ये किरदार निभाने में पारसी होने से मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा इजी हो जाता है आई अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इजियर फास्टर देन आई कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स मेकिंग द सीन इंटरेस्टिंग आई डोंट हैव टू फोकस ऑन पारसी डिटेलिंग वाओ अर्जुन जो है इनका सरनेम है राधा कृष्णन अर्जुन हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन और आप अभी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जी सर तो आपने ऑडिशन दिया था कि खाली राष्ट्रपति वाला सरनेम है ही आपका ऑडिशन दिया था आपको इस बात का फायदा मिला है ऑडिशन दिया था और एक्चुअली मेरे पिताजी का नाम भी एस राधा कृष्ण ही था अच्छा अरे वाह और सुनाओ सर दसो सर मजा आ गया एक्चुअली दिपेंदु सर मैंने आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखा है मैंने अनदेखी में देखा था आप इतने प्यारे पुलिस ऑफिसर बने हैं अदरवाइज आप इनको देखेंगे ना दिपेंदु सर ने बड़े नेगेटिव रोल भी किए मकबूल में किलर का रोल किया ब्लैक फ्राइडे में इन्होंने येड़ा याकूब और बड़ी सारी फिल्मों में गुंडे के रोल करते हैं लेकिन वेब सीरीज जो आई है इनकी जमतारा में इंस्पेक्टर बने अनदेखी में डीसीपी रे में पीर बाबा मिर्जापुर 2 में डॉक्टर बने आप एकदम से गुंडे से शरीफ कैसे हो गए बच्चे बड़े हो रहे हैं इस बात का प्रेशर था कि आपको अमेरिका का वीजा लेना है नहीं यार फितरती तो एक अच्छा इंसान हूँ नहीं नहीं वो हमें पता है सर बी बच्चे वाला आदमी वो सब कुछ है लेकिन अब क्या करें मतलब जैसे कहते ना कि एक एक्टर अपने आप को हर एक रूप में डाल देता है जी सो वही अपने आप के अंदर से उस चीज़ को उजागर करने की कोशिश करते कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आपके अंदर कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें छुपी रहती है लेकिन आप जिस चीज़ को उजागर करना चाहते हो वो चीज़ बाहर आती है जिस चीज़ को अच्छा नहीं करते हो वो उधर दब जाती है सीधी बात है उम्दा कलाकार है बिल्कुल गिरगिट है रंग बदलते रहते हैं तो गिरगिट के तो गिरगिट ही है एक्चुअली हम लेकिन सही मायने में अच्छा आदमी हो यार पर आप बड़े कमाल के एक्टर सर मुझे बहुत पसंद है अनदेखी में आपने वो पुलिस ऑफिसर का किरदार तो मजेदार निभाया है जो आपने साथ साथ में हंसाया भी है ना उसमें बड़ा सीरियस रोल था वो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था आप इम्प्रोवाइज भी आपने बहुत किया होगा उसमें हाँ काफी किया है मतलब काफी लाइंस काफी अपने भी थे मतलब क्या है किरदार में घुस जाता तो फिर पता नहीं चलता ना मतलब
तो क्या बात है सर, आपसे बेटर कौन जानता है। इश्वाक, आप सबने ये पताल लोक के बाद बहुत फेमस है, मतलब इनको आप सबने देखा है, अब हमारे शो पे आने के बाद आप पृथ्वी लोक पे भी फेमस हो जाएंगे। पर इश्वाक, क्या रिस्पॉन्स था पताल लोक के बाद, सडनली लोगों ने देखा है क्या बड़ा अच्छा एक्टर है यार। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, दिस सीरीज कुड हैव बीन मेड विदाउट इश्वाक, बट कुडंट हैव बीन मेड विदाउट जिम एंड अभय पन्नुआ, डायरेक्टर हु इज नॉट हियर। आई वांट टू से दैट नो वन कुड हैव डन होमी बाबा एज गुड एज हिम। आई वांट टू से दैट, आई एम श्योर। यू हैव टू वॉच द सीरीज टू सी दैट। रजीना जो है इस फिल्म में विक्रम साराभाई जी की वाइफ मृणालिनी का रोल कर रही है, वो बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर भी थी, तो आपने इस रोल के लिए डांस सीखा है या पहले से आपको आता था? पहले से आता था, आई लर्न भरतनाट्यम 4 साल के लिए सीखा मैंने, बट इस शो के लिए थ्रू द पैंडेमिक वर्चुअल भरतनाट्यम सीखा मैंने, एंड देन बाय द टाइम वी स्टार्टेड शूट इट यूज्ड टू बी लाइक एवरी डे ऑफ डांस। विक्रम साराभाई साहब का भी मानना पड़ेगा, भी स्पेस प्रोग्राम के साथ साथ स्टेज प्रोग्राम पर भी पूरा ध्यान रखते थे वो। मतलब रजी सर, आपने इतना इतना काम किया है, मैं कभी कभी क्या होता है किसी एक्टर का कोई किरदार इतना बड़ा हिट हो जाता है ना, तो लोग उस नाम से भी जानने लगते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ आप किसी फंक्शन में गए हो और लोगों ने अपना असली नाम ना बताया और रजित कपूर की जगह आप लोगों ने बोल दिया और अब आ रहे हैं व्योमकेश बख्शी, ऐसा हुआ आपके साथ? कई बार, लेकिन वो शायद व्योमकेश बख्शी पूरा नाम उनके जहन में नहीं आता हो ना, तो कोई बमकेश बोलकेश क्या क्या अलग अलग, आप वो बख्शी बमलहरी पता नहीं क्या क्या। I said yes. बहुत बहुत शुक्रिया। पर ये भी सर एक अच्छी फीलिंग होती है ना कि आपका किरदार लोग इतने सालों से उनके दिमाग में है। मेरी खुश नसीबी है शायद। वाओ, क्या बात है सर। दिपेंदु सर, पहले जो आपने डार्क रोल किए हैं, किसी का मर्डर कर दो, उसका बच्चा उठा लो, उसके पैसे मार लो, जिस तरीके के नेगेटिव रोल किए आपने मुंबई में, आपको आसानी से घर मिल गया था कि सोसाइटी वाले पहले मना करते थे आपको? मना करते थे। मेरी सबसे बड़ी बड़ा माना ये थी, मेरे को बिल्डिंग बिल्डिंग में जो गेट में चौकीदार है तो वो नहीं घुसने देते थे, घर लेने तक पहुंचा ही नहीं कभी। घर लेने तक तब पहुंचेंगे ना, तो बिल्डिंग में घुसने देते। We have a huge research team of one person. वो शायद आपके घर के सामने ही रहता है। उन्होंने हमें एक खबर बताई कि जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ आपके पास 2 ही शॉट्स थे और उसी में आपने पूरा लॉकडाउन निकाला। मैं कह रहा था अच्छी बात है, 2 थे, एक पहना एक सुखा लिया। ना ना, एक ही था, वो रिवर्स अलग अलग कलर था। इनसाइड आउट पहनते। एंड राजा राजा नोज इट। आपने कब देख लिया उनको रिवर्स करके पहनते हुए? ही नोज इट। पर सीरियसली आपके पास 2 ही शॉट्स थे? ऐसे था पहले लॉकडाउन में, अभी और थोड़ा ले लिया मैंने। नहीं अच्छा, अगर एक ही होता तो सोचो आप उसको धोते। तो खाने के लिए तो बाहर भी नहीं जा सकते थे आप। इश्वाक जो है ये इस सीरीज में रजीना के साथ रोमांस कर रहे हैं, तमाशा में ये दीपिका के लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड थे, वीरे दी वेडिंग में ये सोनम के बॉयफ्रेंड थे। भाई एक बात बताओ, ये जो आपका हॉरोस्कोप है ये कुदरती ऐसा है कि आपने कस्टमाइज करवाया? कुछ तो ब्लेसिंग तो है। तो जहां से ये ब्लेसिंग लिए कपिल बोल रहा है उसे भी वहां का रास्ता बता दो, ये भी चला जाएगा। मुंडा स्मार्ट है। थोड़ा थोड़ा लेंगे आप लोग वाइन वगैरह कुछ? Are you serious? I think, are you serious? खाली पूछ ही रहे होगे कि मंगवाने का भी रहता है। अरे कहीं कोई अपने जेब से निकालना पड़ेगा, मत कहो कुछ नहीं। पर सर आपने बहुत थिएटर किया है, आपने भी? जी हाँ। थिएटर में तो मैंने देखा बड़े सारे इतनी चीजें अनप्लान्ड हो जाती हैं कभी कभी, जैसे आप इम्प्रोवाइज करते होंगे या कोई को आर्टिस्ट भूल गया, ऐसे कई बार। एक बार बड़ा सीरियस सीन कर रहे थे हम, तो एक विंग से कुत्ता चलाया स्टेज पर, हाय रब्बा, ऐसे ही रैंडमली वो गेट सोफाया बाबा हॉल का खुला था, वो आया ऑडियंस की तरफ यूं झांका, हम एकदम हक्के बक्के रह गए थे, वो दूसरी एग्जिट से बाहर निकल गए। एक बार चाय वाला आ गया था, सीन के बीच में चाय, कहता है सर चाय। ओह गॉड।
So we just stopped. सब रुक गए. फिर उसको किसी ने बोला, please बाहर जाओ. शो चल रहा है. ऑडियंस बैठी है यहाँ पे. उसको समझ नहीं आई कि ऑडियंस है, स्टेज है. एक सीन था जिसमें मैं किसी के साथ काम कर रहा था और मैं उसको हंसा रहा था. तो वो हंसने शुरू किया और उसका डेंचर्स निकल आया. तो अभी क्या करूँ, हंसते रहना. वो वापस रख दिया. एक मिनट मेरे लिए नहीं, रॉकेट बॉयज के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. ए, कोई भी लाइटर वीटर मत जलाना आज. अरे रॉकेट बॉयज बैठे ले, भरोसा नहीं कौन सा बॉय उड़ जाए. फिर हाय, कैसे आप लोग? बिल्कुल. अरे सर, रजित जी. नहीं नहीं, मैं आपको पैर छी बचपन से देखे लिए मैं आपको बचपन से. अरे क्या बात है, आप उसमें डीडी वन पे आते थे ना, वो बमकेश बख्शी में. बमकेश. वो आप धोती पहन के साइकिल कैसे चलाते थे सर? कमल रही. अब मैं आंखें बंद करके भी धोती बांध सकता हूँ. अच्छा. बिकॉज ऑफ दैट शो. मैं बचपन में देखती थी. कितने साल हो गए ना सर. माई गॉड सर, पहले ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने VCR से लेके RT-PCR तक का सफर तय किया. कमल, थैंक यू. बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है. बहुत बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने सर. बहुत अच्छा, वेरी नाइस. ये सोनी क्या कंटेंट बना रहे हैं अर्चना जी. हेड्स ऑफ टू सोनीज कंटेंट. हाँ, अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो शनिवार और रविवार 9:30 से 11 बजे तक देखो, कमाल का कंटेंट आता है कपिल शर्मा शो. और सर, आप लोगों का कैसे आना हुआ? अरे प्रमोशन के लिए आए. हमारा शो भी सोनी लिप पर ही है. ऐसे नहीं सर, बुरा मत मानना. वो क्या है ना, आप लोग जो चीज लेकर आते हैं, आप लोग उसका प्रमोशन करते हैं और हम लोग अपना प्रमोशन करते हैं. लेकिन मैं आप सब लोग की बहुत फैन हूँ. मैं आपको भी देखे ले. आप भी आते हैं ना. हजूर हजूर ऐसा बोलते हैं. हजूर हजूर. सर मेरे को ना आपको पूछने का था. ये आप सुबह को खुलते हैं कि शाम को खुलते हैं? ये क्या पूछ रही है? वो जिम है ना, मेरे को जिम ज्वाइन करने का था. सर मेरे को एक और चीज, मेरे को ना बॉलीवुड स्टार लोग बहुत अच्छे लगते हैं. हाँ, तो मेरे को जरा बताएंगे आप, ये रणवीर सिंह जो है, ये कौन सा साबुन इस्तेमाल करता है? उनको क्या पता. तूने पद्मावत नहीं देखी क्या? देखी है. अरे इन्होंने रणवीर सिंह को नहलाया है उसके अंदर. खैर, इनका जो गाना था ना वो बीते दिल, वो जिसमें नीला रहे हैं. हाँ. हाँ, उस गाने में मैं भी थी. तू कहाँ थी? दिखी तो है नहीं. मैं टावल लेने गई थी ना. हाँ ऐसा. फिर हाय. हाय सर. यू अर्जुन ना? यस. मैं आपको बता नहीं सकती मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ. तो मत बता. मैंने देखा कर. नहीं नहीं, अगर मैं आपको जानती होती ना तो बताती मैं. लेकिन आपने तो मेरे को देखे ला ना. बहुत बार. तो बोलो ना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. थैंक यू सर, बैठो. नहीं नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया काम किया, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं. बहुत अच्छा. सपना, आज तू बड़ी फालतू बातें क्यों कर रही है आज इतनी? फालतू बातें नहीं कप्पू, मैं तेरे को अंदर की बात बताऊं. क्या? ये सोनी टीवी वालों ने हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया है. षड्यंत्र है बहुत बड़ा. क्यों? 14 साल से हम इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं. इनकी सीरीज पे सीरीज आती जा रही है. कभी तेरे को और मेरे को लिया इन लोगों ने सीरीज के अंदर. सोनी तुझे भी तो काम दे रहा है. मेरे को काम दे नहीं रहा है, मेरे से काम ले रहा है. कैसे? सर हमसे काम लिया है और काम सिर्फ एक ही जन को दिया है. और उसके बदले में इनके बारे में क्या बताएं सर आपको? अभी हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यू होता है ना. इन्होंने अप्रेजल मांगा है. कहती है मेरा पैसा बढ़ाओ. क्यों? तो चैनल वाले बोले किस बात का पैसा बढ़ाओ बाबा. बोलती है मेहनत मेहनत देखो मेरी. खुद मेकअप करना, वैनिटी से खुद बाहर निकलना और 20 कदम चल के यहाँ पर आकर बैठना कोई छोटी बात नहीं होती. हम लोग
एपिसोड का कंटेंट बनाते बनाते मर जाती हैं, थक जाते हैं। जब एपिसोड खत्म होता है ना, ये इधर थका हुआ खड़ा रहता है, मैं उधर थकी खड़ी रहती हूँ, ये बीच में आके सबके साथ फोटो वोटो खिंचा रही रहती है। हाँ, फोटो खिंचाती है, रील बनाती है और चली जाती है। और कमाल की बात ये है कि सोनी से पहले यही सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर देती है। और जब सोनी टीवी का मेन प्रोमो आता है, हाँ? कभी कमेंट बॉक्स में जाना, हाँ? नीचे लिखा रहता है, ये तो हमने देख लिया है, कुछ नया दिखाओ हमें। सपना, क्यों आज फालतू की बातें कर रही है तू? रजीना कितनी दूर से आई है, बता है हमारा शो पे। अरे नहीं, क्या सोच रही होंगी तेरे बारे में? अच्छा, वही सोच रही होंगी, बाकी सब नहीं सोच रहे होंगे। कमाल यार, कमाल। रजीना बहुत अच्छी लग रही है आप। वेरी ब्यूटीफुल। मैंने आपको देखे ला है, आप वो तमिल और तेलुगु इन सब फिल्मों में भी काम किए हैं ना, तमिल में ना देखते हैं आप? हाँ देखे ना, मैंने मैंने देखा है। कौन सी पिक्चर देखी आपने? ये तो फंसाने वाली बात हो गई। मेन्यू बता इनको अपना, सच उनको फिर पता चलेगा मेन्यू क्या है तुम्हारा। हाँ, हमारा मेन्यू रहता है, हम लोग जब आते हैं ना, हमको सबको बोलने का रहता है, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और हमने ये सब देखे ला, ऐसा रहता है, क्या कर सकते हैं। मैं क्या बोल रही थी, आपने जो ये तमिल फिल्मों में काम किया है, मेरे को आप ये तमिल सिखा देंगे क्या? क्यों? हाँ। मेरे को ना मेदू बड़ा खाने का बहुत शौक है, इसीलिए। तो हिंदी में मांग लो, उसमें क्या है? अरे हिंदी में मांग लेगी तो फिर तमिल सीखने का क्या फायदा रे कपूर? कमाल कर रही है। तू करने क्या आई इधर आज? एक्चुअली आप लोगों का ये OTT प्लेटफॉर्म खोले ला ना आप लोगों ने, हाँ, तो उसमें तो कोई काम दे नहीं रहा हमको, तो मैंने खुद का प्लेटफॉर्म खोले ला है। अच्छा। हाँ, मैंने छोटी प्लेटफॉर्म खोला है। छोटी टी। इसमें क्या है, अंडर 18 का सारा कंटेंट रहेगा। इसमें हम लोग छोटी छोटी बच्चों की फिल्में है ना, हाँ, वो इसमें दिखाएंगे। अच्छा। और बड़ों के लिए 40T है हम लोगों के पास। तू सोच रहा रहेगा उसमें क्या होता रहेगा? क्या होता है उसमें? जो छोटी छोटी फिल्में है ना बच्चों की, ये दो दो करके हम लोग उसमें दिखाते हैं, ऐसा रहता है हम लोग। हो गया तेरा? हाँ हो गया। नहीं नहीं, मेरा मसाज पार्लर था तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। एक मसाज है रॉकेट बॉय मसाज। अरे वाह, इसमें क्या होता है? अब इसमें क्या होता है वो भी मैं ही बताऊंगी, तो इतनी बड़ी सीरीज काय को बनाई है इन लोगों ने। जोरदार तालियां हो जाए रॉकेट बॉय के लिए। फिर मैं चलती हूँ सर, ऑल द बेस्ट आपका सीरीज के लिए। बाय। एक बार जोरदार तालियां रॉकेट बॉयज की स्टार कास्ट के लिए। आइए सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू रजीना एंड थैंक यू जिम, थैंक यू राधा कृष्णन जी, थैंक यू दिबेंदु जी, थैंक यू रजित सर एंड थैंक यू इश्वाक जी। और इसके साथ आपके आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल दी वेरी बेस्ट। और दोस्तों आप सबसे अनुरोध है कि बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।